सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का ज्योमेट्री, और जिसका पहला थ्योरम है, नाम है थेल्स प्रमेय, और एक और नाम है इसका जिसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, जिसके कारण इसे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के लिए खासतौर पर ये जनरल हो गया है कि हर साल इस पे एक ना दो क्वेश्चन तो दे ही देता है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और इसका पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय यानी कि, जिसका नाम है, और ये आप लोगों के बुक एनसीईआरटी 10th क्लास के ज्योमेट्री का पहला थ्योरम है। तो चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, पहले क्या है साधारण प्रतिज्ञा, इस बात को आपको याद करना होगा और ये अक्सर 10th क्लास के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या सिद्ध करने के लिए डायरेक्ट पूछ देता है या तो इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाता हूँ। साधारण प्रतिज्ञा क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से ये जो दिख रहा है आपको, तो हाँ चलिए आपके लिए मैं दिखाता हूँ। ये मेरा त्रिभुज है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ए बी सी एक त्रिभुज है और मैंने यहाँ पे इसको दर्शाया भी है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बी सी, यहाँ पे बी सी है नीचे में देख लीजिए, समांतर डी ई खींची है और डी ई एक रेखा है जो आपको दिख रही होगी, वो मैंने खींची है जो ए बी और ए सी के क्रमशः बिंदु डी ई पर मिलती है। तो जैसे कि ए सी ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है आपको दिख रहा होगा, और ए सी मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है दिख रहा है, और डी ई इस प्रकार से कट करता है। इतना तो समझ में आया आप लोगों को, और चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। तो सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी, यानी ए डी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है और डी बी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है, फिर ठीक उसी तरीके से ए ई है और ई सी है। तो इस तरीके से हमें प्रूफ करना है, और अब इसको साबित करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना का जरूरत पड़ता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ रचना क्या है। डी से डी एम तथा ई से ई एन, ई एन लंब क्रमशः ए सी तथा ए बी पर डाला, बी को ई से तथा ई को डी से मिला दिया। तो इन्हीं बातों को मैं अपने त्रिभुज में दिखाता हूँ। चलिए मैं डी से डी एम यानी डी से डी एम यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैंने क्या किया ई से ई एन यहाँ से यानी यहाँ तक, इन दोनों को लंब डाला, एक को ए सी भुजा पर डाला, एक को बी सी भुजा पर डाला, और क्या है कि बी ई को मिला दिया और डी सी को मिला दिया। तो आगे चलते हैं, चलिए अब प्रमाण में। प्रमाण में क्या कहता है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो चलिए दिखाता हूँ ए डी ई कहाँ है। तो त्रिभुज ए डी ई, ये छोटा सा त्रिभुज जो दिख रहा है आप लोगों को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो क्या निकाला है मैंने, 1/2 ए डी गुने ई एन। तो हमें कैसे पता चला ए डी क्या है, तो ए डी हमारा आधार है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और ई एन इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई है यानी हाइट है। तो इस तरीके से मैंने दर्शा दिया है, यानी 1/2 इंटू में ए डी इंटू ई एन। और चलते हैं त्रिभुज डी बी ई में, तो डी बी ई कहाँ है, तो देखिए डी बी ई, तो दरअसल आपको लेना किस तरीके से होगा डी बी ई, तो ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है मैंने दिखाया वही त्रिभुज है, मगर इसकी हाइट देखिए क्या है, ई एन है, और इसका आधार क्या है, डी बी है। तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, और 1/2 इस तरीके से मैंने दर्शा दिया जो दर्शाना है मुझे। अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का
अनुपात निकालने के बाद हमें क्या पता चलता है, अनुपात निकालते हैं तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि, देखिए दिखाता हूँ मैं, 1/2, 1/2 खत्म, ई एन खत्म, ई एन खत्म, बचा क्या हमारे पास डी ए डी बटा डी बी। तो ठीक, मैंने उसी टाइप से यहाँ पे नीचे लिखा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर में ए डी बटा डी बी। इन दोनों का आधार अलग अलग था, इसे मैंने क्या मान लिया, समीकरण एक मान लिया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और ए डी ई त्रिभुज का है, तो चलिए दिखाता हूँ, ए यहाँ पे है और डी और ई यानी ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से हमने निकाला है, और फिर क्या किया हमने, डी ई सी का क्षेत्रफल, तो इस बार डी ई सी का है, तो डी यहाँ पे देखिए डी ई और ये त्रिभुज जो बन रहा है, इस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई क्या है, डी एम है। तो देख रहे होंगे आप लोग बिल्कुल ठीक इसी तरीके से डी एम इसकी ऊंचाई है। चलिए और आगे मैं आपको बताता हूँ डी एम ऊंचाई, तो इन दोनों का फिर से मैंने अनुपात निकाला, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे 1/2 ए ई गुने में डी एम हो गया, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, 1/2 इंटू ए ई सी गुने डी एम, ऊंचाई तो दोनों का सेम रह गया मगर चेंज क्या हुआ, आधार हमारा चेंज हो गया, जिसके वजह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रिलेशन मिला, ए डी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे में ई सी, जो कि हमारा समीकरण 2 है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, डी ई एक रेखा है और यहाँ पे हमें बी सी भी एक रेखा है, जो कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और मैंने यहाँ पे बताया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। इस तरीके से त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, और ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज डी बी ई एक त्रिभुज है और यहाँ पे डी सी ई एक त्रिभुज है, जो कि दोनों एक ही पैरेलल रेखा यानी एक ही समांतर रेखा डी ई समांतर बी सी के बीच स्थित है। चलिए तो इसके वजह से क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो बिल्कुल बराबर होगा, मैंने यहाँ पे दर्शाया भी है, क्योंकि ये दोनों समान आधार डी ई और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं डी ई और बी सी के बीच स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समीकरण एक एवं दो त्रिभुज, समीकरण एक एवं दो से क्या है, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। इस तरीके से प्रूव ये होता है और साबित हमने कर दिया थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही